स्टाफ नर्स के लिए नौकरियां ही नौकरियां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में नौकरी निकली है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नौकरी का टेंशन, मिल गया ऑप्शन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है और आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए हैं। इधर देखने की जरूरत नहीं है, नौकरी को देखना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे बात कर रहे हैं, मजाक कर रहा था। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह से न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के लिए नौकरी निकली है। क्या है उस नौकरी में, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर शेयर की दीजिएगा। और एक चीज और कहूंगा कि फेसबुक पेज है, इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज, जो फॉर्म है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि जहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है। पहले तो आप देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहां से फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन सेवा लिमिटेड की तरफ से नौकरी निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि आप इसमें देख सकते हैं जो ये नौकरी है, ये है विज्ञापन संख्या U37 UPRVUSA के तरफ से 2019 के तरफ से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु विज्ञापन संख्या U37 में आप देख सकते हैं UPRVUS के तरफ के अंतर्गत पदों के लिए निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या में बात करूं तो यहां स्टाफ नर्स की संख्या आपको 23 दिखाई जा रही है और फार्मासिस्ट की इसका जो है 18 दिखाई जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है स्टाफ नर्स के लिए 23 वैकेंसी और फार्मासिस्ट की 18 है। जैसा कि आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या U37 में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि UPRVS के तरफ से ये निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तारित तिथि जो 30/6/2020 से पुनः विस्तारित करते हुए 18/7/2020 के परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि अब जो है 20/7/2020 को यानी एक्सटेंड कर दी गई है, 20/7/2020 को निर्धारित कर दी गई है। विज्ञापन संख्या U37 में UPRVASA के तरफ से आपको 2019 के पदों के संबंधित रिक्त एवं अन्य नियमों के शर्तों के यथावत रहेंगे और विस्तारित वितरण को निम्न वेबसाइट पर, ये वाली वेबसाइट है www.upRVUNL.org पर उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था, इस साइड पर जाकर आप यहां से इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जैसे ही आप करेंगे, आप यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के तरफ से स्टंप है, जो सचिव का स्टंप लगा हुआ है। ये फॉर्म जैसे ही आप करेंगे, आप यहां पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप डिटेल्स में देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के टोटल वैकेंसी आपको लिखी गई है, फार्मासिस्ट की भी आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगा, जैसे 23 है और ये 18 है। जैसे कि आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या U37 2019 के अंतर्गत विस्तारित तिथि 30/6/2020 से विस्तारित करते हुए तिथि को 18/7/2020 के परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि में 20/7/2020 को निर्धारित की जाती है। और थर्ड लाइन में लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या U37 में UPRVUSA के अन्य पदों के संबंधित रिक्तियों के अन्य नियमों के शर्तों को यथापत रहने वाली विस्तारित वेबसाइट यानी www.upvunl.org पर आप जाकर वहां आप देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो आप इस नोटिफिकेशन को अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फर्स्ट वाले ऑप्शन यानी इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे भी इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।